एक दिन जब वो छोटा था और फुटबॉल खेल रहा था, वो एक पेड़ पर लगातार फुटबॉल मार रहा था, बट वो एक बार काफ़ी ज़ोरों से मार देता है, जिसके बाद उसकी फुटबॉल एक पार्क में चली जाती है। वो झाड़ियों को क्रॉस करता है एंड जब सामने की तरफ देखता है तो उसे अपनी फुटबॉल तो मिल जाती है, लेकिन उसे एक सामने छोटा ज़ॉम्बी मिल जाता है, जिसे वो अचानक देखकर डर जाता है। बट वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उसके साथ खेलने लगता है एंड वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं एंड एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। बाय डे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ते जा रही थी, लेकिन एक दिन जब वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तभी छोटा स्टीव मतलब अपना विजार्ड छुपा हुआ था एंड सामने देख रहा था, तभी पीछे से उसका फ्रेंड ज़ॉम्बी उसे बूम कर देता है एंड वो लोग इस बात पे हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, एक छोटी सी चिकन की जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ऊंचाई से गिर गई है। इस चीज़ को छोटा स्टीव देखकर इमोशनल हो जाता है। वो जो ज़ॉम्बी था वो तुम्हारे डोबजी की तरह था, वो डोब की तरह 200 लेवल IQ लगाता है एंड उसे बताता है कि तुम मुझे ऊपर करो एंड हम इस चिकन को सिक्योर कर देंगे। देन वो छोटा ज़ॉम्बी उस चिकन को वहाँ पर रख देता है एंड वो चिकन वापस से हैप्पी हो जाती है एंड वो दोनों खुश हो जाते हैं। छोटे स्टीव को एक आवाज़ आती है अपनी मॉम की और उसकी मॉम उसे लंच के लिए बुला रही होती है, जिसके बाद वो अपने ज़ॉम्बी फ्रेंड को बाय करता है एंड वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही रात हो जाती है एंड दूसरा दिन चालू हो जाता है। आज छोटा स्टीव अपने घर से अपने हाथों में 2 कुकी लेकर बाहर निकलता है एंड अपनी मॉम को बोलता है बाय बाय सी यू लेटर। छोटा ज़ॉम्बी उसका वेट कर ही रहा था, वैसे ही छोटा स्टीव आता है एंड उसे कुकीज़ देता है, बट वो कुकीज़ नहीं लेता क्योंकि वो अलग ही ओरिजिन से बिलोंग करता था। तभी छोटे स्टीव के गले में एक चीज़ अटक जाती है जो कि वही कुकी थी एंड छोटा ज़ॉम्बी देखकर ये घबरा जाता है एंड उसके पीठ में नॉक करने लगता है। तभी उसकी जो मॉम थी वो छोटे स्टीव की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है एंड छोटे स्टीव को देखने के लिए निकल जाती है। उसके बाद जब उसकी मॉम छोटे स्टीव को देख रही थी तो उसे लगता है ये जो छोटा ज़ॉम्बी है छोटे स्टीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसे वो बोलती है तुम निकल जाओ, तुम इसे और नहीं मार सकते। छोटा स्टीव एंड छोटा ज़ॉम्बी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इस चीज़ को देखकर एलेक्स डर चुकी थी, इसलिए अपने छोटे स्टीव को काफ़ी ज़्यादा डांटती है एंड छोटा स्टीव एंड वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं एंड सैड हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, बट आज का दिन बहुत ज़्यादा अलग था। आज छोटा स्टीव अपने पीसफुल से विलेज में अपने डैड के साथ आया था। उस विलेज के सारे विलेजर्स एकदम पीसफुल वे से रह रहे थे, तभी कुछ ज़ॉम्बीज एंड ज़ॉम्बीज की गैंग ने इस विलेज में हल्ला बोल दिया, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज उन विलेजर्स को मार के खाने लगे, जिसके बाद काफ़ी सारे विलेजर्स की डेथ होने लगी एंड स्टीव अपने छोटे बेटे को छोटे स्टीव को आई से दूर करता है एंड खुद को प्रोटेक्ट करता है। और इस विलेज की हालत बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि इन ज़ॉम्बीज ने ज़ॉम्बी का लीडर था वो हाथ लाया था एंड अपने छोटे बेटे को फोर्स कर रहा था कि वो इस हाथ को खाए एंड वो ना चाहते हुए भी इसे खा लेता है, जिसके बाद छोटा स्टीव इस चीज़ को देख लेता है। उस दिन के बाद छोटे स्टीव के मन में उस ज़ॉम्बी के लिए बहुत ज़्यादा हेट आ चुकी थी। जब छोटा स्टीव अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है, तभी ये ज़ॉम्बी आता है एंड उसे बोलता है हाय छोटे स्टीव, बट इतना सुनते ही वो स्टीव डर कर भाग जाता है एंड अपने घर की तरफ चला जाता है। किसी को मालूम नहीं था रात होते ही इन ज़ॉम्बीज की पावर एंड लीडरशिप हर चीज़ बढ़ जाती है एंड ये जो ज़ॉम्बी थे इनका गोल था कि स्टीव एंड एलेक्स को ख़त्म करके इस विलेज में अपना कब्जा बसा लें। और घर में एलेक्स अपने छोटे स्टीव के साथ इंजॉय कर ही रही थी, तभी वो ज़ॉम्बीज अचानक उनके घर में अटैक कर देते हैं, जिसके बाद एलेक्स बोलती है छोटे स्टीव तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें देखती हूँ। देन एलेक्स उनसे फाइट तो करती, लेकिन वो जो लीडर था उन ज़ॉम्बीज का लीडर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिसके बाद और उसके बाद छोटे स्टीव को आवाज़ आती है कि उसकी मॉम घसीटते हुए उन ज़ॉम्बीज के पीछे पीछे जा रही है एंड वो छोटा स्टीव अपने फ्रेंड ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड बिस्तर में रोने लगता है।
तभी उनकी खेत से आवाज़ आती है और छोटा स्टीव धीरे 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 जाकर देखता है गेट पे कौन है। बट गेट पर उसकी डैड थी और उसके डैड को जब पता चलता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही है और उन जॉम्बीज ने उसे घसीट कर ले गया है, तभी उसके डैड अपना डायमंड का आर्मर पहनते हैं एंड रेडी हो जाते हैं उन जॉम्बीज की बैंड बजाने। उसके बाद छोटे स्टीव को कहते हैं तुम मेरा वेट करना एंड वो डायरेक्ट चले जाते हैं उन जॉम्बीज लीडर की। वो एलेक्स को मानो ऐसा मार दिए हो कि वो उठ भी ना पाए, वो बेहोश थी एंड ये जॉम्बीज उसे घसीट के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद ये चीज़ देखकर स्टीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो एक एक करके सबको मारता है एंड एलेक्स के पास आ जाता है। स्टीव एलेक्स को देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे मॉब थे बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। जिसके बाद ये जो छोटा स्टीव था उसे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है एंड जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर देखता है वो देखता है कि उसकी मॉम नहीं रही और उसके डैड जो थे ऑलमोस्ट डैड ही थे, उनकी बहुत ज़्यादा गंदा वाला अटैक हो रखा था और उन्हें भी बहुत ज़्यादा घायल किया था उन ज़ॉम्बीज ने, जिनके बाद उस स्टीव एंड एलेक्स वहीं पर मर जाते हैं। और छोटा स्टीव अपने मॉम डैड की RIP करता है, इसका मतलब रेस्ट एंड पीस, एंड उस नेकलेस को निकाल कर वहीं पर फेंक देता है एंड अब वो अपने डैड से सीखी हुई सारी प्रैक्टिस करने लगता है एंड वो ठान ही लेता है मन में मन कि मैं उन जॉम्बीज को चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें मारूंगा एंड वो हार्ड वर्क करता रहता है जब तक वो प्रो ना हो जाए। जिसके बाद ही वो चेस्ट खोलता है एंड अपने डैड का रखा हुआ आर्मर वो एक्यूब करता है एंड आज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लास्ट टाइम अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है लेकिन उसका एकमात्र गोल था उन्हें धूल चटाना। इन लोगों ने उसके मॉम डैड को मारा हुआ था। वो जॉम्बीज वहाँ पर काफ़ी मज़े से इंजॉय कर रहे थे एंड ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी क्योंकि छोटा स्टीव एक जॉम्बी के पेट पर शॉट मारकर उसकी बैंड बजा देता है। तभी एक जॉम्बी सबको इन्फॉर्म कर ही रहा होता है तभी छोटा स्टीव आता है एंड उसकी सर से बॉडी अलग कर देता है अपनी शॉट की मदद से। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी एंड वो जॉम्बी को वहीं पर पटकता है एंड जितने भी उसके सामने जॉम्बीज आ रहे थे वो उन्हें एक बार में मार देता है एंड उन स्केलेटन्स को। अब छोटा स्टीव बहुत ज़्यादा प्रो बन चुका था और उसे सिर्फ अपने मन में अपने मॉम डैड की याद आ रही थी कि कैसे इन जॉम्बीज ने उसकी मॉम को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। लेकिन टाइम आज उसका है एंड अब वो बताने वाला है किंग को जिसका ये किया धरा है। वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाता है एंड ऊपर थ्रोन में बैठा हुआ किंग हंस रहा होता है एंड उसे चैलेंज करता है, तुम यहाँ पर मेरा क्या कर लोगे, और अपने बच्चे को बोलता है जाओ ये लो सॉर्ड एंड इसे तो तुम ही मार सकते हो। वो छोटा जॉम्बी मना कर देता है क्योंकि वो अपना फ्रेंड मानता है उस छोटे स्टीव को, लेकिन ज़बरदस्ती उसके फादर उसे उसकी सॉर्ड लेकर भेज देते हैं फाइट करने। लेकिन छोटे स्टीव को इस टाइम पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखों में बदला था जो कि इन जॉम्बीज ने उसके मॉम डैड के साथ किया था। देन वो दोनों एक साथ फाइट करने लगते हैं बट छोटा जॉम्बीज कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जैसे ही छोटे स्टीव के ऊपर शॉट तानता है तभी छोटे स्टीव को याद आने लगता है कि उसके मॉम डैड को उस जॉम्बीज ने कैसे मारा था, जिसके बाद छोटा स्टीव एक बार में उसे दूर फेंकता है और वो जॉम्बी डायरेक्ट ज़मीन पर गिर जाता है एंड उसे वो जान से मारने के लिए शॉट उठाता ही है तभी उसे वो नेकलेस दिख जाता है जिसे वो सारे दिन याद आने लगते हैं जिनमें उनने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था। वो चाहते हुए भी उस जॉम्बी को नहीं मार पा रहा था लेकिन उसी टाइम वो जो जॉम्बी का डैड था वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो उसे जान से मारने वाला होता ही है। तभी एक ऐसी चीज़ होती है जिसने कभी किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो जॉम्बी अपने किंग डैड को मार देता है एंड काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, एंड छोटा स्टीव ये देख कर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, और वो जॉम्बी उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद छोटे स्टीव का बदला पूरा हो जाता है एंड वो कब्र में जाकर उस फ्रेंडशिप बैंड को वहीं पर फेंक देता है
एंड वो ज़ॉम्बी भी वहाँ। क्या हुआ था? एक माइनक्राफ्ट का विलेज था और उस विलेज में स्टीव और एलेक्स एक दिन आए हुए थे। वो वहाँ से कुछ खरीद रहे थे वहाँ से वो लोग कुछ खरीद रहे थे और वो चाहते थे कि वो आज कुछ ऐसा खरीदें जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। तब वहाँ पर एलेक्स जब कुछ खरीद रही थी तभी स्टीव की नज़र गई एक ऐसे बच्चे पर जो कि अपने मॉम डैड के साथ खेल रहा था। स्टीव को ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और स्टीव जब इतना देख ही रहा था तब एलेक्स भी वहाँ पर देखती है और एलेक्स समझ जाती है कि स्टीव आखिर क्या देख रहा है और स्टीव और एलेक्स एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा खुश था। लेकिन उसी टाइम रात हो जाती है और रात होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और ये सारे ज़ॉम्बीज पूरे विलेज को आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वहाँ पर सब लोग वहाँ पर चलना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर दूसरा दिन चालू होता है स्टीव और एलेक्स आज जैसे ही अपने सामने देखते हैं विलेज में सब कुछ जल चुका था। और जब ये इतना देख लेते हैं तो फौरन ही वो अपनी सॉर्ड निकालते हैं और धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ को बढ़ने लगते हैं। आखिर वो जानना चाहते थे आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और उन लोगों ने जब देखा तो वहाँ पर जो विलेजर था वो भी मर चुका था। वहाँ पर वो जब सामान लिया करते थे वहाँ पर सब लोग मर चुके थे लेकिन एक बच्चा जो कि अभी भी रो रहा था वो फौरन ही उसके पास चले गए। और वो बच्चा उस लग कर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वहाँ पर स्टीव फौरन ही उसके मॉम डैड को श्रद्धांजलि देते हैं। और जिसके बाद वो इतना ज़्यादा रो रहा था उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा आंसू भरी थी कि वहाँ पर उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं तुम अब हमारे साथ चल सकते हो तुम्हें यहाँ रहने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद नया घर पाने की वजह से कुछ नहीं हुआ था वो बच्चा एक नया घर तो पा गया था लेकिन वो बातें आज भी नहीं थी। लेकिन स्टीव और एलेक्स हमेशा ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो उसके एक रियल मॉम डैड ही हैं। वो उस बच्चे को वहाँ पर केक खिलाते हैं लेकिन वो फिर भी उदास ही रहता था। तब स्टीव को याद आया कि वो कुछ कर सकता है इसके लिए। और जिसके बाद वो उदास बैठा था वो अकेला बैठा था तब वहाँ पर जब वो शूटिंग रेंज में गया तो वहाँ पर स्टीव वहाँ पर काफ़ी मेहनत से शूट कर रहा था। इस चीज़ को उसी बच्चे ने देख लिया और वो मांगने लगा स्टीव से ये मुझे दे दो इसे मैं करता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से एक बार फेंकता तो है वो फेल हो जाता है लेकिन वो बार बार ट्राई करता है। और वो एक बार नहीं वो काफ़ी बार ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है इसलिए वो थोड़ा सा तो उदास हो जाता है। और जिसके बाद स्टीव वहाँ पर फौरन ही आगे की तरफ को जाता है और वहाँ पर स्टीव उस स्कोर बोर्ड को फौरन ही थोड़ा सा आगे ला देता है। आगे लाने की वजह से वहाँ पर वो जो बच्चा था वो थोड़ा सा बेटर एम कर सके। स्टीव को ये पता था कि अब वो शायद से मार लेगा लेकिन अभी भी वो मार रहा था। फाइनली पूरे 5 शॉट के बाद उसका एक शॉट जाकर निशाने में लग गया। और जिसके बाद वहाँ पर एलेक्स इमोशनल हो गई लेकिन वहाँ पर वो लोग अब शाम हो गई। वो शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब वो खाना खाएगा और आज उसका तो फेवरेट बना था पुडिंग। वो पुडिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे खाने लगता है। वो उसे ऐसे खाने लगता है कि वहाँ पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। और जिसके बाद वो थोड़ी सी पुडिंग तो उसके नोज़ में भी लगा देती है और वहाँ पर वो सबके ऊपर ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। और रात हो जाती है। रात होने के बाद वहाँ पर स्टीव और एलेक्स थोड़ी देर के लिए तो रुके हुए थे और जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। स्टीव और एलेक्स जब चले गए वो फिर भी जैसे ही रात हो गई वहाँ पर वो बिल्कुल भी सोचने लगा कि आखिर उसके मॉम डैड को कैसे उन ज़ॉम्बीज ने मारा था। वो ज़ॉम्बीज आकर उसके मॉम डैड को मार देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास था कैसे वो ये सब सोच रहा था। वो ज़ॉम्बी जैसे ही उसके पास पड़ा वो फौरन ही अपने उस सपने से जाग गया। नीचे जैसे ही वो गया वो स्टीव के पास गया स्टीव को उठाने लगा। वो उठाते उठाते स्टीव को उसके पास सोने की ख्वाहिश की उसने और स्टीव ने उसे अपने पास सुला भी लिया।
और जिसके बाद दूसरा दिन चालू हो जाता है। और आज वाले दिन पर वो जैसे ही बाहर निकलता है, स्टीव उसे जैसे ही बाहर ले आया था, अब एक और बार ट्राई होता है। स्टीव देखना चाहता था कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और स्टीव वहाँ पर जैसे ही जाता है, अब स्टीव देखना चाहता था कि क्या ये अब ठीक हो चुका है। और वो चेक करना चाहता था कि अब उसका जो बेटा है वो कैसे वो मार सकता है दूर। अब वो जैसे ही निशाना लगाता है, उसका निशाना एकदम सही जगह पर लग जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को ले आ लिया जाता है और वो सारी चीज़ों में अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। स्टीव आज फाइट कर रहा था, लेकिन अब वो देखता है उसके डैड को वो गिरा सकता है, और वो अपने डैड के ऊपर अब हमला भी करता है। और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी मॉम ने अब बनाया था उनके लिए काफ़ी अच्छा वाला केक, और वो उस केक को खाने के लिए सब लोग घर में चले जाते हैं। और दूसरा दिन चालू हो जाता है। दूसरा दिन जैसे ही चालू होता है, वो सो रहा था, सोते सोते उसे अचानक से आवाज़ आती है। वो उठकर जैसे ही देखता है, आखिर यह आवाज़ तो कहाँ से आ रही है, तो वो वहाँ पर देखता है कि उसके घर के नीचे काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। वो अपने मॉम डैड को फौरन ही उठाता है कि देखो कोई तो आया है। और जिसके बाद वो वहाँ पर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वहाँ पर छुपने की तो कोई जगह है ही नहीं, वहाँ पर सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और वो फौरन ही वहाँ से चला जाता है, और वो जाकर फौरन ही ऊपर जाकर छुपकर बैठ चुका था, क्योंकि उसके बच में कुछ भी नहीं था। जैसे ही दूसरा दिन चालू होता है, आज वो देखता है कि उसके मॉम डैड अब है ही नहीं, उसके अब नए वाले जो मॉम डैड थे वो भी नहीं है। और अब वो देखता है कि स्टीव एलेक्स उनकी फाइट करते करते जान ही चली गई है। स्टीव जैसे ही देखता है वहाँ पर, अब आंसू उसके पैर के पास गिरते हैं। जब उसके आंसू उसके पैर के पास गिरते हैं, तो उसे याद आते हैं अपने रियल वाले मॉम डैड के बारे में। वो उन्हें याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उनकी यादों में वो काफ़ी ज़्यादा खोया था। लेकिन अब वो स्वॉर्ड को लेकर निकल जाता है फौरन ही बदला लेने के लिए। लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है, सामने काफ़ी सारी पुडिंग गिरी थी। पुडिंग को देखते देखते उसने रास्ते को फॉलो किया। वो रास्ता फॉलो करते करते आगे गया, और आगे जाते जाते वो फौरन ही आगे वो जाता गया, और वो अपने बदले को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और उसे पता चलता है ये चीज़ तो एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और वो उस जगह पर आज आ गया था। आज फाइनली वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके मॉम डैड का काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से जान ले लिया था। और वहाँ पर वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं उसके सामने, क्योंकि उसने कठिन से कठिन मेहनत करके अपने डैड से सीखा था। लेकिन जब पिगलिन ब्लूर देखता है वहाँ पर आज का है वही बच्चा जो कि अपने मॉम डैड के साथ था एक टाइम पे, वो एक बार में सबको काट रहा था, वो एक बार में सबके गले भी काट देता है, वो एक बार में सबके पेट में एक बार शॉट डालता था, और शॉट डालते ही वहाँ पर उनकी मौत हो जाती थी। वो अब पिगलिन उस नशेड़ी पोशन को पी लेता है, और जिसके बाद उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गई थी, और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावर से हमला करने लगता है। लेकिन अब उसके पास जैसे कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अब वो जान गया था कि उसकी मौत होने वाली है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो इतने ज़्यादा आसानी से मरे, और वो चाहता था कि वो एक ना एक बार तो इन्हें मारकर अपने मॉम डैड का बदला ले ले। वो अपने बचते बचाते उस टीएनटी के पास गया, और उस टीएनटी के पास जाकर कूदने लगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो हटा, वो टीएनटी तो फट गया, और जिसके बाद वो टीएनटी जैसे ही फटा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर इधर उधर जाकर फटका कर फिका गया, और जिसके बाद वो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे की तरफ को गया। वो आगे की तरफ को लंगड़ाते लंगड़ाते घर जाने लगा, तो उसकी दुनिया उजड़ ही चुकी थी, क्योंकि कोई भी बचा ही नहीं था उसको सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, क्योंकि उसके मॉम डैड उसके अब सामने थे, और अब वो जाकर फौरन ही गले लग जाता है अपने मॉम डैड के। और जिसके बाद
उसके मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने अपने यहाँ पर एक शॉप खोली है एक सुंदर से विलेज में, एंड मैं यहाँ पर बिजनेस करके अच्छे से रहना चाहता हूँ। और मैं इस विलेज में नया हूँ एंड मेरी जान पहचान ज्यादा लोगों से नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में मेरी दुकान में एक बच्चा आता है एंड वो मुझसे कहता है प्लीज मुझे कुछ दे दो, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है। बात सोचता हूँ मेरी नई नई शॉप एंड मैं किसी को ऐसे फ्री में कोई चीज क्यों दूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी शॉप को और भी ज्यादा बड़ा कर पाऊँ, इसलिए मैंने उस बच्चे से कुछ कहा नहीं और सोचा इसे ट्रॉल किया जाए एंड इसे गलती से अनजाने में एक बार मार दिया, जिसके बाद ये मुझसे रूठ गया। बट मेरा ये गोल नहीं था कि मैं इसे मारूं एंड ये मुझसे रूठ जाए, जिसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा एंड मैं इसके फादर के पास गया। मैं इनके पास आया और मुझे पता चला ये इसके रियल फादर नहीं है। काफी टाइम पहले ये जो बच्चा था ये एक और शॉप में गया हुआ था। पीछे से इसके डैड ने देख लिया था कि ये यहाँ पर कुछ खरीदना चाहता है, बट उनके पास हमेशा पैसे कम हुआ करते थे। लेकिन आज उसके डैड के पास इतने पैसे तो थे कि वो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद सके, जिसके बाद वो अपनी जेब में एक हाथ डालते हैं एंड एक एमरल्ड निकालते हैं एंड उस शॉप वाले को देकर उसके लिए एक टॉफ़ी खरीदते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने डैड से गले लग जाता है। और जिसके बाद वो और उसके डैड एक साथ चलने लगते हैं एंड अपने घर में जाते हैं। और उनके विलेज में उनका थोड़ा सा टूटा एंड थोड़ा सा छोटा घर था जहाँ पर वो और उसके डैड एक साथ रहा करते थे। जैसे ही ये घर के अंदर जाने लगते हैं तभी इस छोटे बच्चे के दो और फ्रेंड आ जाते हैं, जिसके बाद इसके डैड इसे बोल देते हैं जाओ अभी तुम खेलो, देन शाम तक तुम आ जाना, जिसके बाद ये छोटा बच्चा खेलने चला जाता है एंड यहाँ दिन से रात हो जाती है। और किसे पता था कि ये बच्चा रात को ही आएगा। ये घर पहुंचता है और देखता है इसके डैड अपना काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर आकर सो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुका था पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कर। और ये किसे पता था कि इतनी प्यारी रात और किसी दिन नहीं आने वाली, क्योंकि ये इनकी शायद लास्ट एंड आखिरी रात होने वाली है इन डैड एंड इस छोटे बच्चे की, क्योंकि इनके विलेज में कुछ बुरे लोग आ जाते हैं एंड क्रॉसबो एंड एरो की मदद से पूरे विलेज को जलाने लगते हैं, जिसके बाद उस छोटे बच्चे को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो बाहर देखते हैं कि पूरे विलेज वासी वहाँ पर हल्ला कर रहे हैं एंड मारे जा रहे हैं एक एक करके, बट ये चीज़ वो छोटा बच्चा देखता है एंड अपने डैड के पास चिपक कर रोने लगता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर था कि ये उसे और उसके डैड को मार ना दे। इसके बाद उसके डैड फैसला करते हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे ना कैसे करके बचा लूँगा, और अपने एक लामा में बैठा देते हैं एंड उसे लास्ट टाइम गले मिलते हैं एंड जिसके बाद उस लामा को ज़ोर से पीछे से बंच करते हैं। और ये लामा उस छोटे बच्चे को कहीं दूर ले जाता है अपने डैड से। इसके बाद उसके डैड अपनी पिकेक्स लेते हैं और इन बुरे लोगों पर हमला बोल देते हैं एंड यहाँ पर वो छोटा बच्चा उदास, अकेले एंड अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है कि कैसे उसे उसके विलेज में सब प्यार करते थे एंड अपने डैड के साथ वो कैसे प्यार से सोया करता था, बट आज वो अकेला हो चुका था और एक जंगल में आकर रुका हुआ था। इसके बाद वो लामा उस बच्चे को एक जगह पर लाकर रोक देता है एंड वो बच्चा अपने लामा को सहलाने लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में दूर दूर तक उस लामा के अलावा वो किसी को भी नहीं जानता था। जिसके बाद वो अपने लामा को पानी पिलाने के लिए उस नदी में ले जाता है। वो लामा उस छोटे बच्चे को प्यार करता है क्योंकि वो लामा उनका बचपन का एक पुराना पेट है, लेकिन पीछे से कुछ खूंखार डॉग एंड वुल्फ की फौज आ रही थी उनके पीछे एंड वो उन्हें दौड़ाने लगती है उस पूरे के पूरे विलेज में, जिसके बाद वो लामा अपनी पूरी जान से उस बच्चे को दौड़ाते दौड़ाते एक नदी पर और उस नदी के किनारे उस छोटे बच्चे को फेंक देता है, जिसके बाद उस लामा को वो बुरे डॉग खा लेते हैं उस बच्चे की आंखों के सामने एंड वो इस चीज़ को नहीं देख पाता एंड उस लामा का वहाँ पर मर्डर हो जाता है।
और उसी टाइम आसमान से बारिश होने लगती है एंड बारिश होने के कारण काफ़ी सारे जॉम्बीज जागकर उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को लकीली एक अबेंडेंट विलेज मिल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उस जॉम्बी से उस घर में खटखटाने लगता है, बट वो घर अंदर से खाली था, जिसके बाद वो दूसरे घर में पहुंचता है एंड वहां का दरवाज़ा बंद कर लेता है। लकीली वो बच्चा इस घर में आकर सेफ फील करने लगता है एंड वो जॉम्बी बाहर बिजलियों में जल जाता है। एंड जिसके बाद सुबह होती है एंड वो बच्चा इतना ज़्यादा रोने के कारण वहीं पर सो गया था, और जिसके बाद उसे भूख लगती है एंड दूसरे दिन बीत जाने के कारण उसकी भूख और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। बट वो विलेज का वो जो घर था वो काफ़ी पुराना घर था, जिसके कारण वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी, और वो बच्चा उन चीज़ों को देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पर उसे सिर्फ कोई ना कोई खाने की चीज़ चाहिए थी, जिसके बाद उसे लगता है उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ खाने का होगा, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और वो ज़मीन में मुँह के बल गिर जाता है। एंड वो जैसे ही एक कॉबवेब हटाता है एंड उस चेस्ट को खोलता है, तो उस चेस्ट के अंदर से उसे तीन चीज़ें मिलती हैं, और वो कुकीज़ एंड एक पेज, एंड उस पेज में लिखा हुआ था एक पम्पकिन और तीन आयरन की ब्लॉक से एक मेटैलिक रोबोट बनेगा जो कि उन पिलेजर्स को जान से मारेगा। एंड जिसके बाद जैसा स्ट्रक्चर पेपर में था वैसा उसके सामने था, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके पूरे विलेज में ढूंढने लगता है उस पम्पकिन को। एंड फाइनली लकीली उसे वो पम्पकिन मिल जाता है एंड वो सोचने लगता है मेरी हाइट तो इतनी है नहीं कि मैं इसे बीच पे रख पाऊँ। एंड जिसके बाद वो थक हार कर वो इस चीज़ को छोड़कर उस पम्पकिन को वो पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो पम्पकिन ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर पर लग जाती है। एंड जिसके बाद एक ऐसी चीज़ क्रिएट होती है जिसने किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ थी, वो जो बच्चा था वो इस आयरन गोलेम से बहुत ज़्यादा डर रहा था, बट वो आयरन गोलेम समझ जाता है मुझे इसे कैसे मनाना है। एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि ये जो आयरन गोलेम होते हैं वो हमें एक रेड रोज देते हैं, एंड ये इसकी निशानी है कि आयरन गोलेम हम इंसानों के कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने वापस विलेज में चले जाते हैं उन बुरे लोगों से बदला लेने के लिए, जिसके बाद वो आयरन गोलेम सोचता है कि क्या किया जाए। एंड उसे एक आइडिया आता है एंड वो उस बच्चे को अपने ऊपर बैठा लेता है, क्योंकि आयरन गोलेम रोबोट था एंड उसे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद वो आयरन गोलेम उस बच्चे को हर खुशी देता है, और वो उस बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि वो उसका डैड हो। लेकिन वहाँ पर थोड़ी ही देर में वो खूंखार जानवर फिर से आ जाते हैं जिन्होंने उसके लामहा को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो बच्चा रोने लगता है एंड आयरन गोलेम उन डॉग्स को देखता है, एंड आयरन गोलेम उन डॉग से बिल्कुल भी नहीं डरता एंड एक डॉग को अपनी लात से वो पेड़ पर गिराता है एंड एक को हाथ मारकर समुद्र में फेंक देता है। आखिरी डॉग इतना देखते ही वहाँ से डर कर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद वो आयरन गोलेम और वो छोटा बच्चा एक साथ गले मिलते हैं और सामने की तरफ देखते हैं कि वो डॉग मर चुके हैं एंड उनकी वो लोग बीफ बनाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड वो बच्चा जैसे ही गिर जाता है आयरन गोलेम उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, तभी उस बच्चे को एक ऐसा मिस्टीरियस सपना आता है। उस सपने में उसे ये पता चलता है कि वो जो बुरे लोग थे उसके डैड के पास जाते हैं एंड उसे अपनी शॉट से जान से मार देते हैं, और उसे ये बात पता नहीं थी। एंड जैसे ही उसका सपना ख़त्म होता है तो नींद से जाग जाता है, एंड वो लाइफ का उसकी सबसे ज़्यादा बुरा सपना था, और जिसके बाद वो आगे जाता है एंड आयरन गोलेम उसके पीछे आता है और उसे बिठा कर उसी विलेज में वो लोग आ जाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर आयरन गोलेम एंड वो छोटा बच्चा एक साथ आ चुके हैं, बट उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो इसे कैसे बताएंगे कि उसके डैड अब नहीं रहे। एंड वो अपने घर में भागा भागा जाता है एंड वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उसके डैड
नहीं रहते एंड वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। और तभी एक विलेजर उसे बताता है कि अब तुम्हारे डैड नहीं रहे, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है एंड अपनी डैड की याद करने लगता है। एंड वो फ्लावर वो अपनी डैड के सामने रखता है एंड अपने मन ही मन में ठान लेता है कि वो उन बुरे लोगों से बदला लेगा। और जिसके बाद वो अपने डैड की चेस्ट खोलता है जिसमें वो आर्मर थे जिसमें उसके डैड ने उसके लिए बनाए हुए थे एंड वो आर्मर्स वो उसे पहनता है। और जिसके बाद वो पूरा रेडी हो जाता है एंड वो बाहर निकलकर देखता है कि वो बुरे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन उन बुरे लोगों को नहीं पता था कि इस बार अपना आयरन गोलम इन विलेजर्स के साथ है और वो उन विलेजर्स को बहुत अच्छे से मार देते हैं एंड जिनके बाद वो विलेजर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। गोलम अपना एक हाथ मारते ही उन बुरे लोगों को ज़मीन पर ढेर कर देता था एंड वो बुरे लोग और भी ज़्यादा आने लगे थे। और एक बुरा आदमी आयरन गोलम के सामने ही एक तीर कमान से अपना तीर शूट करता है उस छोटे बच्चे के ऊपर, जिसके बाद उसके ऊपर तीन और शूट आते हैं, जिसके बाद वो आयरन गोलम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। एंड आयरन गोलम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले मोड में आ जाता है एंड आयरन गोलम पे भी काफ़ी ज़्यादा तीर चलाए जाते हैं, बट आयरन गोलम बना था आयरन का, इसलिए वो उन बुरे प्लेजर्स के पास जाता है और उन्हें एक बार में हाथ में उठाता है एंड उन्हें एक बार में गुस्से की नज़र से ज़मीन में पटक देता है। बाद अपनी आयरन गोलम लात उठाता है एंड उनके मुंह में मार देता है एंड वो सारे के सारे बंदे चारों खाने चित हो जाते हैं। और आयरन गोलम और वो सारे विलेजर्स परेशान हो जाते हैं कि वो उस बच्चे का आखिर करे तो करे क्या। एंड जिसके बाद आयरन गोलम उस बच्चे को नदी से पार करके, पहाड़ों से पार करके खतरनाक एक विच के पास जाता है अपनी एक आखिरी उम्मीद लेकर कि वो उस विच से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करेगा एंड वो विच उसकी मदद करेगी और उस छोटे बच्चे को वो वापस से जगाएगी कोई ना कोई तरीके से। और लकीली उस विच ने उस बच्चे को वापस से एक बार जन्म दे दिया अपने रीजनरेशन की पोशन की मदद से एंड वो बच्चा एक और बार फिर से जाग जाता है एंड अपने आयरन गोलम को वो डैड मानकर उनके साथ रहने लगता है। गाइस अगली बार मैं सच्ची में किसी भी बच्चे से मिलूंगा तो मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा। एंड गाइस तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उस बच्चे को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड तुम्हारा भाई इस वीडियो में पूरे 400 लाइक्स का गोल लगा रहे हैं, सो प्लीज इसे कम्प्लीट करवा देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाग गया है देखो बब्लू, जैसे बब्लू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ हम पे, 80-90 पूरे 100 बब्लू भाग गया है देखो बब्लू, जैसे बब्लू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ हम पे 80-90 पूरे 100। ड्रैगन के मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर ड्रैगन बिलख बिलख कर मर गया था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। तब एक बच्चे ने एक ड्रैगन को अपने घर में लाने का सोचा और वहाँ पर वो गेट खोलता है और जिसके बाद वो ड्रैगन को अंदर आने का ऑफर करता है। ड्रैगन वहाँ पर अंदर जाकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और दूसरी तरफ वो जब देखता है तब वो दूर जाकर उसे एक झोपड़ी दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। ड्रैगन उसके अंदर काफ़ी खुश था और ड्रैगन को खुशी इतनी मिल नहीं रही थी कहीं भी। वो अपने पंख को लिक कर रहा था लेकिन उस बच्चे के मूड में कुछ और ही था। वो उस बच्चे को चुपचाप वहाँ पर ड्रैगन के बच्चे को वहाँ पर वो फिश देकर चुपचाप ड्रैगन के पीछे जाकर वहाँ पर वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था और वो वहाँ पर वो करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ड्रैगन वहाँ पर एकदम से चिल्लाता है और जिसके बाद जब वो पीछे देखता है उसे काइंड ऑफ खुशी होती है क्योंकि उसकी पंख से अब वो फ्री है, क्योंकि उसकी पंख में उन लोगों ने विलेज के उसकी पंख में एरो डाल दिया था जिस वजह से ये ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता था और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ चुका था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब ड्रैगन अपने घर में था। ड्रैगन अपने घर में काफ़ी मज़े से एक बॉल से खेल रहा था। ड्रैगन को ऊपर से बॉल जाती थी और वो जाकर ड्रैगन उस बॉल को कैच करता था। कैच करते ही ड्रैगन को वहाँ पर समझ में आता है उसका घर
वो जब अपने घर को देखता है तब उसे अपने घर की याद आती है, और जब वो अपने घर को देखता है उसे वो सारी यादें आती हैं जो कि उसने याद की थी। लेकिन ड्रैगन बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पंख के अंदर एक छेद था, और जिसके बाद विलेज का बच्चा जल्दी से अंदर जाता है। और अंदर जाते ही वहाँ पर वो सबसे पहले उस चेस्ट को खोलता है, और चेस्ट को खोलते ही उसे वहाँ पर वो पोशन मिलता है, और उस पोशन को वहाँ पर लेकर सबसे पहले उस ड्रैगन के पास जाता है, और वो ड्रैगन काफ़ी रो रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसके दर्द को संभालने आ चुका था ये बच्चा, उसके हाथों से वो सहलाता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो उसके दर्द में डालता है वो पोशन, और छू करके वहाँ पर उसका पंख ठीक हो जाता है। और वो ड्रैगन वहाँ पर ठीक होने के बाद उसे लिक करता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो काफ़ी ज़ोरों से उड़ता है अपनी पंखों के साथ, और वहाँ पर वो हवे में फ्री हो जाता है, और उसे इतना प्यार आता है उस बच्चे के ऊपर कि वो अब उस बच्चे को वापस से लेने आया था। लेकिन वो बच्चा बचपन से ही अकेला था क्योंकि उसकी मॉम डैड भी इस ड्रैगन की तरह मारे गए थे। लेकिन वहाँ पर वो ड्रैगन उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, और वो दोनों उड़ते ही वहाँ पर आसमान के ऊपर आ चुके थे। उस बच्चे को इस ड्रैगन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था, और वो जब इस दुनिया के नीचे देखता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और वो जब नीचे देखता है वहाँ पर एक बदले की आग था एक बच्चे के अंदर, एक बच्चा जहाँ पर अपनी मॉम डैड के कब्र के पास था। वहाँ पर वो जब ऊपर देखता है उसकी आग और भी ज़्यादा तेज हो जाती है, और वो किसी भी हाल में उस ड्रैगन को मारने वाला था जो कि उस बच्चे का सपना था, उसका फ्रेंड था। और वहाँ पर उसे याद आता है उस ड्रैगन ने कैसे उसकी आँखों के सामने उसके डैड को जला जला कर मारा था, और वहाँ पर उसके डैड का वो बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो चला जाता है, और ये ड्रैगन अपनी मॉम की याद में अपनी मॉम से खुशी खुशी अंदर मिलने जाता है। लेकिन कुछ अंदर ऐसा होता है वहाँ पर वो अपनी मॉम से नहीं मिल पाता, और जब वो अंदर देखता है तब उसे यकीन होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और जिसके बाद वो वापस निकल कर आता है, और वहाँ पर काफ़ी उदास था। वो उस बच्चे को देखता है, वो बच्चा भी काफ़ी उदास हो जाता है। ये उन दोनों का सबसे गंदा टाइम था, और उनके ऊपर अब मुसीबत आने ही वाली थी। वो आ चुके थे अपने घर की तरफ, और वो दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं कुछ लोग निकलते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले से वहीं पर थे, और जिसके बाद ये और कोई नहीं होता, ये वही होता है जिसकी माम को मार दिया गया था उस बच्चे के कारण, और जिसके बाद इसी बच्चे ने इस ड्रैगन की माँ को मारा था। और इसकी माँ को मारने की वजह से इस ड्रैगन को भी बंदी बनाया जाता है, और इस ड्रैगन को भी बंद कर दिया जाता है, और इस ड्रैगन को बंद करके वहाँ पर ले जाया जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो बच्चा जैसे ही अपनी आँख खोलता है वैसे ही वो खुद को पाता है, ड्रैगन उससे कहीं दूर जा चुका है। और जिसके बाद वहाँ पर वो काफ़ी रोने लगता है, उसे वो सारी बातें याद आती हैं जब वो ड्रैगन के साथ काफ़ी कैसे पहली बार मिला था, उसने कैसे के पहली बार उस ड्रैगन को काफ़ी शर्माते हुए देखा था, और उसकी आंखों में पहली बार एक परिवार वाला एहसास देखा था। उनका रिलेशनशिप इतना आगे जा चुका था कि वो बच्चा अब हार मानने नहीं वाला था। वो अपने घर आता है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आर्मर को लेता है जो कि उसके डैड का था, और ये आर्मर पूरे के पूरे 20 साल बाद वापस चमकने वाला था। और ये बच्चा निकल जाता है गाँव की तरफ, और गांव की तरफ ये बच्चा निकल जाता है चलते चलते। ये बच्चा वहाँ पर जाने लगता है, और जैसे ही वो ऊपर और नीचे देखता है उसे समझ में आता है कि उसे अब क्या करना है। वो सबसे पहले धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है, और वहाँ पर वो जाने लगता है अपने ड्रैगन को बचाने, वन एंड ओनली दी टॉर्मेंट ड्रैगन। और ड्रैगन यहाँ पर अपनी मुसीबत से लड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे ने वहाँ पर उस ड्रैगन को बंद किया था जो कि अब किंगडम का सिक्योरिटी गार्ड चीफ था, और इस बच्चे को अब उसके डैड के मरने की जगह उसकी पोस्ट मिल गई थी। और ड्रैगन इतना ज़्यादा घबराया था कि वो काफ़ी रो रहा था, लेकिन मुसीबत उसी टाइम उनके पीछे आ जाती है, और एक क्रीपर अचानक आके वहाँ पर फट जाता है। अब फटने की वजह से वो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पर आ जाता है वही ज़ॉम्बी, और वो ज़ॉम्बी अब अटैक करने वाला था उन बच्चों पर। और जिसके बाद ये न जाने किसकी चाल थी लेकिन पूरे विलेज में अब अटैक हो चुका था, और जिसके बाद वहाँ पर वो आ जाता है अपने ड्रैगन को बचाने, शायद से किसी भी की चाल हो सकती है। और जिसके बाद वहाँ पर वो ताला देखता है और उसे लगता है यही सही मौका होगा, और वो ताला तोड़कर
ड्रैगन को निकाल लेता है और ड्रैगन के निकलते ही वहाँ पर वो उसके ऊपर बैठता है और सबसे पहले वो ऊपर की तरफ जाता है। वो सोचता है कि वो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन जब वो देखता है यहाँ पर उसके मॉम डैड भी कभी रहते थे और यहाँ पर इसका असली घर है और ये नहीं चाहता कि अपने घर वाले अपने गाँव वालों को ये धोखा दें। वो दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और जिसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं उस हवे की झोंके की मदद से और वो दोनों नीचे पहुँचने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कि मुसीबतों में लड़ रहा था, जो कि उसके पास कोई भी अब वेपन नहीं था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लड़ने के सिवाय, और वो वहाँ पर लड़ने लगता है। लेकिन तभी आते हैं रक्षक और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर फायर बॉल चार्ज करता है और इस बच्चे को भी समझ में आ जाता है उसने गलत किया। ड्रैगन पूरे विलेज में अब झुकने नहीं वाला था और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वहाँ पर वो घना अटैक करता है और जिसके बाद जॉम्बी के ऊपर वो अटैक कर देता है। वो बच्चा जो कि उसका साथ देता है वो दूसरा बच्चा सिपाही बच्चा, लेकिन ड्रैगन को वहाँ पर काफ़ी जबड़ों की चोट आ जाती है क्योंकि वहाँ पर वो घायल हो जाता है और उसका पंख थोड़ा सा डैमेज था। और जिसके बाद वहाँ पर वो ऊपर जाता है और उस ड्रैगन के पास जाता है और वहाँ पर वो जॉम्बी के सर के अंदर वो तलवार डालता है और जॉम्बी वहाँ पर मर जाता है। और जिसके बाद वो दौड़ते दौड़ते उस ड्रैगन के पास जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, लेकिन वो ड्रैगन को सहलाता है और जिसके बाद वहाँ पर वो जोर से चीख मारता है और वहाँ पर वो ड्रैगन मर चुका था और जिसके बाद वहाँ पर उसकी लास्ट हार्ट बीट थी। और जिसके बाद उन सबको अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, हमने काफ़ी गलत किया इस ड्रैगन के साथ। और जिसके बाद सारे के सारे गांव वाले शर्मिंदा थे और सारे के सारे गांव वाले वहाँ पर ले जाते हैं उस बच्चे को। और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन अब ठीक हो चुका था, न जाने कैसे भगवान की छुटकारे से वहाँ पर वो ड्रैगन ठीक हो चुका था और ये बच्चा और उस ड्रैगन का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। वो ड्रैगन पूरे एक महीने से अपनी आँखें नहीं खोला था, लेकिन आज वो पफर फिश देखकर एक बार में उसे खा लेता है। और जिसके बाद ये बच्चा जैसे ही सुनता है उस ड्रैगन ने उस पफर फिश को खा लिया है, वैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है और वो काफ़ी खुश होता है और जिसके बाद वो ड्रैगन से गले लग जाता है और वहाँ पर वो ड्रैगन को अपने साथ ले जाने लगता है और वो ड्रैगन भी उसे अपने ऊपर उड़ा लेता है। वो ड्रैगन के साथ काफ़ी खुश था और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर सोच में डूबे थे, लेकिन जब वो देखते हैं वहाँ से ड्रैगन आज़ाद हो चुका है और वो जा चुका है, तब सारे के सारे लोग वहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देने के लिए अच्छी मुस्कान करते हैं और वहाँ पर सैल्यूट करते हैं द ग्रेट ड्रैगन। इस बात पे आपको सैल्यूट करना है तो लाइक ठोकना, सब्सक्राइब ठोकना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर में अपना फेस रिवील कर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एंडर ड्रैगन आता है। वो एंडर ड्रैगन जो कि इस पूरी दुनिया का राजा था और इस पूरे किंगडम हिमलैंड का भी राजा था, और आने वाले टाइम में न जाने क्या होने वाला था। और जिसके बाद हिमलैंड में सबसे पहले एंडर ड्रैगन अपने नए बेटे को जन्म देने वाला था और अब ऐसी खूंखार चीज़ वापस आने वाली थी हिमलैंड के अंदर। और जिसके बाद वहाँ पर वो जब सो रही थी, धीरे धीरे करके वहाँ पर वो एग ग्रो हो रहा था और उस अंडे के अंदर से आवाज़ आने लगती है और जिसके बाद वहाँ पर पहली बार एक आवाज़ सुनती है उसकी माँ, और जिसके बाद वहाँ पर अचानक से पैदा हो जाता है वहाँ पर बेबी एंडर ड्रैगन। बेबी एंडर ड्रैगन अपनी मॉम से काफ़ी प्यार करता था और जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी मॉम से उससे बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया में बेबी एंडर ड्रैगन ने अपनी मॉम के अलावा किसी को नहीं देखा था। और जिसके बाद वो काफ़ी खुश होता है एक बाइट खाकर फिश का, और उसकी मॉम और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, दो दिन, पूरे के पूरे 365 डेज बीतने के बाद वो बच्चा बड़ा हो चुका था और जिसके बाद अब टाइम आ चुका था उस बच्चे का खेलने का और कूदने का, और वो अपनी पहाड़ में रहकर काफ़ी बोर चुका था। और जिसके बाद आज उसकी मॉम उसे एडवेंचर में चली जाती है और उसी एडवेंचर में उस मॉम को जाना पड़ जाता है, और जिसके बाद वो बच्चा अपनी मॉम को आखिरी बार देखता है और उसे अपनी मॉम की काफ़ी याद आने वाली थी क्योंकि उसने पूरी लाइफ में अपनी मॉम को कभी भी छोड़ा नहीं था। और जिसके बाद वहाँ पर वो उड़ने की कोशिश करता है और वो बच्चा था बड़ा शरारती, और वो बच्चा काफ़ी शरारती होने की वजह से वहाँ पर वो उड़ने की कोशिश करता है और उस बच्चे ने वहाँ पर उड़ने की कोशिश करी लेकिन वो थक गया और जिसके बाद वो बार बार नाकाम होता गया और वो बच्चा इतना ज्यादा दुखी हुआ, तभी उसे सामने दिखता है एक पूरा का पूरा गांव। और जिसके बाद वहां पर वो फैसला करता है ये काफी सुंदर जगह है,
यहाँ तो मुझे जाना चाहिए। वो देखता है लोगों को जो कि चल फिर रहे थे, जो दुकान में जा रहे थे, जो खेल रहे थे, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है वापस से फिश लेकर, और वो वापस अपनी मॉम के पास जाता है, और जिसके पास जिद करने लगता है खाने के बाद फिश, उसे पूरा का पूरा विलेज घूमना है। और जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी मॉम को इशारा करता है वहाँ पर विलेज देखने का। तभी उसकी मॉम वहाँ पर उसे देखती है और वो दोनों के दोनों विलेज को देखते हैं। तब उसकी मॉम उसे वहाँ पर दूर फेंकती है और उसे समझाती है वहाँ पर तुम्हें कभी भी नहीं जाना है। और जिसके बाद वहाँ पर वो बच्चा उदास हो जाता है, और वो बच्चा उदास होने की वजह से वहाँ पर वो वापस से उस विलेज को देखता है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी मॉम को भी देखता है। और जिसके बाद वो बच्चा निकल जाता है उस विलेज की तरफ, और वो वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे उड़ना नहीं आता था, लेकिन वहाँ पर वो वापस से उड़ने लगता है। और जिसके बाद वो उड़ते उड़ते विलेज के अंदर जाता है, और विलेज को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। और जिसके बाद वहाँ पर सारे के सारे विलेजर बात कर रहे थे, और वहाँ पर सारे के सारे विलेजर हल्ला करने लगते हैं, और वहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स हल्ला करते करते पूरे के पूरे विलेज में घूमने लगते हैं। कोई तो अपने घर जा रहा था, कोई तो एक दूसरे से भिड़ जा रहा था, और कोई तो वहाँ पर गिर जा रहा था। और जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स रेडी होने लगते हैं अपने न्यू वेपन की वजह से। और जिसके बाद वहाँ पर एक दो विलेजर उसके पूरे के पूरे उसके मुँह पर एम करते हैं, और उसे वो जान से मारने वाले थे। वो नन्ना सा बच्चा जब वहाँ पर देखता है उसके पास तीर आ रहा है, उसके हाथ में तीर लगता है, और वो घायल होकर ज़मीन में गिर जाता है। और जिसके बाद उसकी नज़र खुलती है, और उसकी मॉम वहाँ पर उसकी बेटे को देखती है, वहाँ पर वो ज़मीन पे गिरने ही वाला था। तभी उसकी मॉम वहाँ पर जाती है, और जिसके बाद वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वहाँ पर वो आँख मुंदे पड़ा हुआ था, और आँख मुंदे वहाँ पर पड़ा था, और उसकी मॉम की आँखें चौंधी आ गई थी अपने बेटे को ऐसा देखने के बाद। और उसकी मॉम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, और जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वहाँ पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी, और वो फौरन उड़कर जाती है पूरे के पूरे गांव में। और वो पूरे के पूरे गांव में जाने के बाद वहाँ पर सबसे पहले वो एक विलेजर को देखती है, और सबसे पहले वहाँ पर से अपना बदला याद आता है, और वो चली जाती है उसी टाउन हॉल के पास। उसे दिखता है वही लोग जो कि उसके बेटे को मारे थे बेदर्दी से, और अब वो आ चुकी थी अपना बदला लेने। और अब वहाँ पर वो दोनों विलेजर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर कुछ करते, इससे पहले वहाँ पर उन्हें आग लग जाती है, और जिसके बाद वहाँ पर वो गिर जाते हैं, और विलेजर में पूरे के पूरे विलेज में आग लगती है बहुत ज़्यादा बड़ी, और इस आग की गुंजान बहुत ज़्यादा थी, और पूरे के पूरे देश में ये सुनाई दे रही थी। और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन झुकने नहीं वाली थी किसी के भी सामने, और उसके सामने चाहे कोई भी आ जाता अब वो झुकने का नाम नहीं लेने वाली थी। और अब वो अपने बेटे की आग में वहाँ पर वो सबको मारने लगती है, लेकिन वहाँ का जो किंग था, वहाँ का मेन कमांडर, उसे वो आग लगा देती है, और अनलकीली वो अपने बेटे को दूर फेंक कर उस आग के अंदर फंस जाता है, और एक और बेटे का जन्म होता है। और बेटे का जन्म होता है जिसका था गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक, और उसने बचपन से ही सीखा था तलवारबाजी, और वो डिफेंस करके उस ड्रैगन के नीचे जाकर उसकी हार्ट के अंदर छीन देता है, और वहाँ पर वो ड्रैगन चला जाता है गॉड के पास। और वो बेटा काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसने पूरे विलेज के लिए खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया था, और एकमात्र सपना बनाया था कि वो अपने डैड का नाम ऊंचा करेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो अपने झुंड के साथ काफ़ी ज़्यादा गेड़ियाँ मारता था, एंड वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखता था, और वहाँ पर वो बनी पे शूट करता था। तभी वहाँ पर वो एक दिन बनी पर शूट कर रहा होता है, और उसकी निशानी थी बनी, लेकिन वहाँ पर तभी वो बनी वहाँ से भाग जाता है, और वहाँ पर वो सबसे पहले जाकर देखता है वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, और उसे एक आवाज़ आती है, और वो वहाँ पर जब देखता है वहाँ पर एक एंड्रॉयड ड्रैगन का बच्चा था। और जिसके बाद वहाँ पर वो एंड्रॉयड ड्रैगन के बच्चे को देखता है, और वहाँ पर ये विलेजर उस एंड्रॉयड ड्रैगन के बच्चे को देखकर काफ़ी ज़्यादा उसे दुख होता है। जिसके बाद वो एंडर ड्रैगन के बच्चे के पास जाने लगता है, और जिसके बाद वो धीरे धीरे जाने लगता है उस एंडर ड्रैगन के बच्चे के पास। लेकिन वो जब उसके हाथों में देखता है उसके हाथ में एक नोक लगी थी, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था। और जिसके बाद उसे लगता है कि उसे मदद करनी चाहिए, और जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है एंडर ड्रैगन के पास। वो एंडर ड्रैगन के पास जाने के बाद वहाँ पर एंडर ड्रैगन को एक ब्रेड देता है,
एंडर ड्रैगन उस ब्रेड को चुपके से ले लेता है और वो अंदर चला जाता है। वो एंडर ड्रैगन को देखने के बाद काफ़ी खुश होता है, लेकिन उसे एक पत्थर सर में आके लगता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो एक फिश वहाँ पर रखता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो जब फिश रखता है, एंडर ड्रैगन वापस निकलता है और वापस वो फिश को खा लेता है, और जिसके बाद वो अपनी भूख मिटाता है और वो पूरा का पूरा उसे खा लेता है, और विलेजर काफ़ी खुश होता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो झाड़ियों में सबसे पहले देखता है, वहाँ पर एंडर ड्रैगन निकल आता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो उसे लिक करता है, और जिसके बाद पर वो अपने पूरे के पूरे डायमंड के आर्मर के साथ अपलोडेड था। एंड वहाँ पर वो जब नीचे देखता है, वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा शक जाता है, और जिसके बाद उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली चोट लग जाती है, और जिसके बाद वहाँ पर एक बच्चा था जो कि जॉम्बी से फाइट कर रहा था, और वहाँ पर वो जॉम्बी से फाइट करके काफ़ी थक जाता है, और जिसके बाद वो देखता है उसके सामने मूल जॉम्बी आ रहा था, वहाँ पर मूल जॉम्बी पे आग लगती है, और आग लगने की वजह से वो मूल जॉम्बी जल जाता है, लेकिन वहाँ पर जो बेबी एंडर ड्रैगन था, वहाँ पर वो इन सारे जॉम्बीज को मारने लगता है, और वो अपनी मॉम की तरह नहीं था। और ये विलेजर आ जाता है विलेज के अंदर और उस मोल्ड इंसान को मारने लगता है, और जिसके बाद उसका साथी भी आ जाता है, उसका फ्रेंड, और वो दोनों मिलकर काफी फाइट करते हैं, और लेकिन वहां पर जो ड्रैगन था वहां पर उनकी वो हेल्प करता है, और जिसके बाद वहां पर उस ड्रैगन को काफी ज्यादा जोर से चोट लग जाती है, और जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर वो जब देखता है अपने ड्रैगन को, वो काफी रोने लगता है और वो काफी गुस्से में आता है, और जिसके बाद वो ऊपर चढ़ता है, और वहां पर वो ऊपर चढ़ते 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 उसके सर में आ जाता है, और जिसके बाद उसके सर में वो जैसे ही तलवार डालता है, वहां पर वो बेहोश होता है, और सबसे पहले वो अपने बेबी ड्रैगन के पास जाता है, और वो काफी रोने लगता है, और उसे लगता है बेबी ड्रैगन अब मर चुका है, और जिसके बाद वहां पर ये ड्रैगन का अंत हो चुका है आज सिर्फ इस विलेज की रक्षा करने के लिए। और यहाँ पे सारे के सारे विलेजर समझ जाते हैं कि उन्हें काफ़ी टाइम पहले इस ड्रैगन को नहीं मारना चाहिए था, और जिसके बाद इन्हें अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे ले जाने लगते हैं, और जिसके बाद वो ले जाकर उन्हें अपने एक हॉस्पिटल में रखते हैं, और जब उसे हॉस्पिटल में रखते हैं वो तभी अपनी आँख खोल देता है, और जिसके बाद वो आखिरी बार अपनी मॉम की याद करता है, लेकिन उसे अपनी मॉम वो बच्चा लगता है, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी थी, और अब जिसको देख रहा था सबसे पहले वो उसी को मॉम मान लेता है, और उस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि उसकी मॉम इस दुनिया में है। तो गाइस, उसकी मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब बनता है, और उसे पूरे के पूरे विलेज वाले सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वहां पर उसने लीगली पूरे विलेज को बचाया था।